हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको गुरुपुर्ब की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम बनाने जा रहे हैं गुरुद्वारे वाला आटे का कड़ाह प्रसाद। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो है चक्की का पिसा हुआ आटा, कनक का आटा चाहिए हमें, एक बाउल चीनी यानी शुगर, एक बाउल देसी घी। और जिस बाउल से हमने ये चीज़ों की मेजरमेंट करी है वही 2 बाउल हमें पानी के चाहिए। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैंने ये देसी घी डाल लेना है। सारा देसी घी डाल के मैंने इसे गर्म कर लेना है। फ्रेंड्स, ये देसी घी गर्म हो गया। अब इसमें हमने आटा डाल देना है। मैंने ये चक्की का पिसा हुआ आटा लिया है। आप कोई भी आटा ले सकते हो, दूसरे आटे से भी इजीली ये कड़ाह प्रसाद जो होता है बन जाता है। अब इसको हमने हलाते हुए ब्राउन होने तक पका लेना है और इसको लगातार हमने हलाते रहना है। ये देखें, अब ये ऐसा ब्राउन हो गया है। इसको हमने लगातार हलाते रहना है और हलाते हुए इससे थोड़ा सा हमने और डार्क कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये घी छोड़ना हो शुरू हो गया है। आटा जो है अच्छे से पक गया। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। एक बाउल जो मैंने आटे का लिया था उसमें एक बाउल ही चीनी का डालना है मैंने। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ऐसे हलाते हुए। अब इसमें हमने 2 बाउल पानी डाल देना है। पानी जरा ध्यान से डालना है क्योंकि पानी डालते वक्त छींटे उड़ते हैं। अब इसको हमने अच्छे से हलाते हुए पकाना है। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसको हलाते हुए पका लिया है पानी डालने के बाद। पानी डालने के बाद हमने लगातार इसको हलाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। ये देखें, बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा नीचे और ये कड़ाह प्रसाद अभी बनने को तैयार है। बस अभी हमने इसको 2 मिनट तक सेक लगवाना है। ये देखें, अब ये हमारा कड़ाह प्रसाद बिल्कुल बन के तैयार है। देखें, बिल्कुल चिपक नहीं रहा कहीं भी और प्रॉपरली गुरुद्वारे जैसा कड़ाह प्रसाद बना है। अगर हमने देग चढ़ानी होती गुरुद्वारे में तब भी ऐसा ही हमने कड़ाह प्रसाद बनाना है। हमने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालना। फ्रेंड्स, ये देखें कितना अच्छा कड़ाह प्रसाद बना है। आप भी बना के ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।